नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके होगा। हाँ, आज हम लोग वेयर हाउस पे आ गए। यहाँ पे 200 टन माल ये अपने स्टॉक होता है। आज आप लोगों को बताएंगे स्टॉक का बिजनेस कैसे करोगे, ऑनियन स्टॉक, माल कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कहाँ पे आना होगा, नंबर वगैरह आपको कहाँ पे मिलेगा, लाइसेंस कौन सा चाहिए, सब कुछ कवर करेंगे। और हाँ, आज ऑनियन का अपडेट, अगर आप एक प्याज का व्यापारी हो या अदरक का बिजनेस करते हो, आलू का, प्याज का, कोई भी सब्जी या फल का या किसी भी टाइप का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो, डेली अपडेट में रहना है, मार्केट में न्यू जैसा रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो। इस चैनल में, केवल इसी चैनल में आपको डेली न्यू अपडेट मिलेगा, सब्जी मंडी का, फल मंडी का, ग्रोसरी आइटम का या किसी भी टाइप का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, डायरेक्ट किसान का नंबर वगैरह आपको चाहिए, कोई डीलर नहीं, कोई सप्लायर नहीं, डायरेक्ट किसान से माल आपको करवा देंगे, समझे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे शेयर करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्याज का भाव, आप लोग का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था जो भाई नासिक में खरीद के वहाँ पे स्टॉक कर पाएंगे क्या। हाँ, कर पाओगे, क्यों नहीं, उसका प्रोसेस अलग है। अगर आपके पास ज्यादा जगह वगैरह नहीं है कि ये, ठीक है, यहाँ से माल खरीद के यहाँ पे भी आप स्टॉक कर पाओगे, उसका प्रोसेस बताएंगे। और एक चीज है, अगर आपको यहाँ से माल खरीद के आपका घर में, आपका अगल बगल कोई गोडाउन में आपको स्टॉक करना है तो उसका भी प्रोसेस बताएंगे, ठीक है, समझे। आज का वीडियो बहुत ही खास होगा, स्टॉक करने के लिए मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, खर्चा कितना होगा, कैसे स्टॉक करोगे सब। आप लोग वहाँ जगह नहीं है, आप सोच रहे हो नासिक में माल खरीद के यहाँ पे स्टॉक करेंगे, तो उसका प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर दे देंगे, कॉल कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है, जगह भी है, तो भाई यहाँ से माल उठा के आपका वहाँ पे लेके जा सकते हो। 30 टन माल पहले तो स्टॉक करो, और स्टॉक करने का समय जो ऑनियन होता है उसका ना, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप माल खरीदो, आप कॉल करना है तो कॉल करो, वहाँ पे आपको 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए के अंदर आपको माल मिल जाएगा, समझे। और वो स्टॉक करने वाला माल होगा मार्च का माल, समझे। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और सोमवार से मंडी ओपन होगा, अगर आपको आना है तो आ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।